वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और परी ना यहाँ पे दिखा रही है आप लोगों से कुछ, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ दिखा रही है क्योंकि परी का वैकेशन हो गया। और वैकेशन से पहले स्कूल से जब आज आई है ना, तो इस टाइम पे ये लेके आई है ऐसे करके कुछ। इसकी मैम ने ना खुद ही बनाया है। इसको बंद करके दिखाइए पहले। कौन सी मैम? सोनिया मैम। सोनिया मैम। तो ये देखिए कितना प्यारा सा गिफ्ट है हैप्पी वैकेशन के लिए। कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हैप्पी वैकेशन लिखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा डॉट 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 दिखा, मतलब थ्री थिंग्स क्या है, क्या करना है थ्री थिंग्स? मैम एक्चुअली बोली थी हैप्पी वैकेशन चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे। और पढ़ने के लिए नहीं बोली थी, खेलने के लिए नहीं बोली थी? पढ़ने के लिए बोली थी और करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहिए कुछ भी कर सकते हैं। तो परी का अब छुट्टी हो गया स्कूल का पूरे वन मंथ से ज्यादा। मेरे को मेरे से वेकेशन चाहिए, बीच में लॉन्ग डे होटल में सोना। और मैडम क्या बोलती थी कि एवरीडे यू हैव टू प्ले प्ले इज एक्सरसाइज, क्या बोलती थी? प्लेइंग इज अ एक्सरसाइज, तो एवरीडे यू हैव टू प्ले बट लिटिल बट नॉट टू मच। नॉट टू मच तो परी सिर्फ खेल ही रही है। डू यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट? प्रिंसिपल मैम बोली कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट आवर बॉडी विल वर्क, प्लेइंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट बट इट विल वर्क वेरी हार्डली। इट विल वर्क वेरी हार्डली बिकॉज प्लेइंग इज ऑल्सो एक्सरसाइज। यस सर। ओके तो परी जा रही है खाना खाने अभी, ठीक है? और इसका आइज निकल गया ना। चलिए ठीक है। तो आई होप कि सबके स्कूल में अब वैकेशन स्टार्ट हो गए होंगे। एक्चुअली इधर जो है ना साउथ में थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है और हमारे यहाँ पे शायद अभी मई में स्टार्ट होगा क्योंकि उधर का जो स्कूल है ना थोड़ा लेट बंद होता है, लेट खुलता है। और इनका स्कूल जो है जून फर्स्ट वीक में ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है चलिए। तो फिर दोस्तों इनको खाना वाना खिला लूँ, उसके बाद से आप लोगों से फिर मिलते हैं। सारी सब्जियां जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी बची हुई तो इसलिए मैंने आज भैंस बिरयानी बनाने का प्लान किया और यहीं बनाया है। जैसे कि कद्दू वगैरह हो गए ना, वो थोड़े थोड़े कट करके रखे हुए थे, तो बैंगन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये बना देते हैं। तो चलिए ये बन गया। उसके बाद से खाना वाना खाने के बाद का ये टाइम है। उसके बाद मैंने सोचा ना कि ये गुलाब जामुन का एक पैकेट रखा हुआ था तो मैंने सोचा उसको भी आज ख़त्म कर देते हैं बना करके। और तो क्योंकि जब होली थी ना तो होली के टाइम पे आई थी तो वो एक पैकेट अभी तक पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बना के इसको ख़त्म करते हैं। तो फिर गुलाब जामुन बनाने में लग गई थी मैं, मेरा सारा दिन ऐसे ही पूरा का पूरा निकला। और बस यहाँ पे गुलाब जामुन हो ही गया। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो बहुत करारे करारे से यहाँ पे हो गए हैं पूरे पूरे गुलाब जामुन। और यहाँ पे चाशनी बन चुकी है, चाशनी में मैंने डाल दिया है और बस इसको ढक के छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद आप सबको पता है कि ये फूले फूले से गुलाब जामुन हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं उसके बाद से। तो ऐसा आपको लग रहा है ना कि ये ऊपर तक फुल हो गया है बट नीचे अभी जाएगा। तो बस अगर हम लोग किचन में घुस जाए ना तो किचन का काम ख़त्म होने का तो नाम लेता ही नहीं है। तो मैंने उसके बाद से गुलाब जामुन बनाया है। गुलाब जामुन के बनाने के बाद का थोड़ी देर बाद का टाइम था ये, आधे घंटे बाद का। तो उस टाइम पे मैं रात की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो उसमें मुझे ना सरसों मसाला वाली सब्ज़ी बनानी थी, प्री प्लान है तो वो मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सरसों का जो मसाला वगैरह है ना सब कुछ तैयार करके रख दूँ और बस बनाना रहेगा इस तरीके से। तो केले की सब्ज़ी जो होती है ना वो मुझे बनाना है सरसों मसाला वाला, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। सारा चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर करके रख दे रही हूँ और साथ ही साथ ये रख दे रही हूँ ताकि ये सब हटा दूँ मैं, क्योंकि मिक्सी जो है ना वो फिर मैं ऊपर रख देती हूँ। तो बस इसको मैं चढ़ा दे रही हूँ ऊपर के साइड में और इन सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ, बस रात को मुझे बनाना है। तो चलिए किचन का काम तो मेरा हो चुका है। इस टाइम पे होने वाली है शाम और आजकल यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो गया है। शाम के टाइम में अक्सर शाम के टाइम में बारिश आ जा रही है, 3-4 दिन लगभग हो गए इस तरह से हो रहा है और करीब बारिश तो मतलब अब डेली हो रही है, यानी कि यहाँ का वेदर अब बिल्कुल भी यहाँ के हिसाब से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन
और जगह के मुकाबले कहें तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा रात को, अब ब्लैंकेट वगैरह कुछ दिनों में निकल जाएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं निकल रहे हैं, अभी तो फ़ैन वैन चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बस शाम हो चुका है और थोड़ा मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि अजीब सा फील हो रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो एक नई जगह लेके चलते हैं घुमाने और कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को भी मिलेगी। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गई हूँ कि चलो कहाँ लेके जाएंगे, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और प्रिंसो को बस इसी तरह से जाएंगे, पास में ही बोल रहे थे कि 2-4 किलोमीटर की रेंज में इधर ही कहीं जाएंगे और चल थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा चलो घूम आते हैं, तो बस चलिए चलते हैं मूड चेंज करने। और कुछ अच्छा दिखेगा तो आप लोगों को भी वहाँ शूट करके ज़रूर दिखाने वाली हूँ। और मेरा फ़ोन जो है ना चार्ज में लगा हुआ है, बैटरी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले चार्ज वार्ज कर लूँ। और प्रिंसो बस होकर बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिए इनका फेवरेट चैनल है निक जूनियर, और ये दिन भर अगर इसको हम लोग बोले ना कि देखते रहो तो ये देखता रहेगा, ना नहीं बोलता है कि मैं निक जूनियर नहीं देखूँगा। तो बस चलिए मैं थोड़ा सा कॉम वॉम करूँगी और बस अब निकलती हूँ, क्योंकि दिन भर में आज पता है 3-4 बार कॉम कर चुकी हूँ मैं। क्योंकि प्रिंसू की जो आदत है ना वो ऐसी हो गई है कि वो एक तो ऐसे नाखून है ना, नाखून से ऐसे चिकोटी काटता है, आजकल सीख लिया है, और बाल को थोड़ा खींचने लगा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पीछे करके अच्छे से रखना पड़ रहा है। तो बस जब वो उठ जाता है इसका मतलब कि मेरा हेयर स्टाइल जो है अब बन नहीं पाएगा। तो उसके हिसाब से आजकल चल रही हूँ। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. देखो ये रहा पीकॉक, ये रहा, इतने सारे पीकॉक हैं। एक छोटे वाले भी है पीकॉक। हाँ, कैसे लग रहा है, लगना है पीकॉक? ये बॉयज है मम्मी। नहीं मैं रहा? देखो सब फ्लाई करके जा रहा है। देखो सब फ्लाई करके गया। सब फ्लाई करके इधर जंगल है, जंगल में चले गए। अभी तो तीन पीकॉक उड़ा। देखो देखो परी लाइन से कैसे जा रहे हैं सब। देखो देखो फ्लाई कर रहा है, फ्लाई 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 पीकॉक फ्लाई कर रहा है। देखो फ्लाई किया और भी आ गया। देखो और यहाँ फ्लाई कर रहा है। एक बहुत बड़ा सा है उधर। वाह, देखने में कितना अच्छा। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है दोस्तों। और जस्ट हम लोग आए तो देखे कि मतलब पीकॉक क्या कहूँ, 8-10 से ज्यादा ही थे लगभग। अभी आपने देखा कि 5-6 उड़े और उसके पहले अभी 5। आपको आवाजें भी आ रही होगी बोलने की। तो बस परी और प्रिंसू को ना थोड़ा सोचा कि दिखा दूं इनको भी। और यहाँ पे भी अगर बारिश होती ना तो यहाँ पे आके ना पूरा अपना पंख भी फैलाते हैं। हमने देखा है कई बारी बट उसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं, अलग बात है। और वहाँ पे आपको दूर में दिखा रही हूँ ना 2-3 पीकॉक हैं। यहाँ इस पेड़ के पास ही है बट दिख नहीं रहे, अच्छे से आ नहीं रहे। क्या हुआ? तो आराम से आओ ना, धीरे धीरे आओ। वहां पे देखें एक है बहुत बड़ा सा। बस यहाँ पे हमें बहुत सारे पीकॉक देखने को मिले और ऐसे कैमरे में छोटे छोटे आ रहे थे बट हम लोग ने अच्छे से देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दूर एक पीकॉक जा रहा है। अगर सही से आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा उसका, इसका पंख बहुत बड़ा है, ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है। जो थोड़े कम पंख वाले होते हैं ना जल्दी फ्लाई करते हैं। तो चलिए ये छोटा सा व्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।